सवाल नंबर एक, पड़ोसी को सताने वाले कयामत के दिन कब्र में किस हाल में उठेंगे? ए बिना सर के, बी बिना हाथ पैर के, सी सुअर की शक्ल में, डी कुत्ते की शक्ल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है बी बिना हाथ पैर के। सवाल नंबर दो, आमाल लिखने वाले फरिश्ते कितनी मखलूक पर मुकद्दर है? ए एक मखलूक पर, बी दो मखलूक पर, सी तीन मखलूक पर, डी चार मखलूक पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए आमाल लिखने वाले फरिश्ते एक मखलूक पर मुकर्रर है। सवाल नंबर तीन, किस सूरत में तालूत और जालूत का जिक्र आया है? ए सूरह रहमान, बी सूरह मायदा, सी सूरह बकरा, डी सूरह कैफ। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी सूरह बकरा में तालूत और जालूत का जिक्र आया है। सवाल नंबर चार, किस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़िया आया है? ए सूरह रहमान, बी सूरह बकरा, सी सूरह कैफ, डी सूरह मायदा। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है सी सूरह कैफ में वाक़िया आया है। सवाल नंबर पाँच, शैतान किस वक्त सोता है? ए सुबह में, बी दोपहर में, सी शाम में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है डी तीनों नहीं, शैतान किसी वक्त भी नहीं सोता है। सवाल नंबर छः, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था उस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? ए 26 साल, बी 30 साल, सी 33 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ए 26 साल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र शरीफ 26 साल की थी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।